नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। आज ममता बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी, बीजेपी से कौन बड़ा सवाल। आज भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि सीएम पद पर बने रहने के लिए ममता के लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी भवानीपुर से दो बार पहले चुनाव जीत चुकी हैं। सीएम पद पर बने रहने के लिए ममता के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की तीन और उड़ीसा की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भवानीपुर सीट के लिए उपचुनाव 23 सितंबर को होगा। तारीख को पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर सीटों के साथ साथ उड़ीसा में पीपली निर्वाचन क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एक नया निशाना साधते हुए कहा है कि केवल भगवान ही जानता है कि 2021 में कैसे चुनाव हुए। केंद्र ने झूठ बोला, फिर भी मुझे हरा नहीं सका। इसके पीछे एक साजिश थे। नंदीग्राम में मुझ पर हमला हुआ। बाहर से हजारों गुंडे बंगाल को गुमराह करने आए। विधानसभा उपचुनाव में भवानीपुर से टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ही चुनावी अखाड़े में होंगी, ये पहले ही से तय है। मगर अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि भाजपा किस कैंडिडेट पर अपना दाव खेलेगी। तो देखते हैं अब किस बीजेपी भाजपा किस कैंडिडेट पर अपना दाव खेलेंगी। जानने के लिए आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और भी खबरों को जानने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।